नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। बिलासपुर जिला की पंजाब सीमा के साथ लगती चंगर पंचायत में पंजाब के लोगों को जाली वोटरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक कि जो पंजाब की पंचायतों में सरपंच तक बन चुके हैं वो भी हिमाचल के वोटर बने हुए हैं। और शिकायत करने पर जवाब दिया जा रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। पंचायत इलेक्शन को लेकर भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा पर बरसते हुए सुनिए क्या कह रहे हैं नैना देवी विधानसभा के कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर। चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ रहा है देश के, वो उन्होंने गलत समय छांटा बयानबाजी करने में। उन्होंने नैना देवी हल्के के बारे में कुछ सड़कों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी फलां सड़क पे इतना पैसा जो है वो इशू हो गया, इतना जो है वो उसकी DPR बनी थी। तो सारा जो है मैं कहना चाहूँगा जिसमें जो है वो स्वान कटीड पुंगाना सड़क एक है और ये आपको भी मालूम है मैंने एक बार नहीं कई बार इस मसले को उठाया है। जब पहली बार रणधीर शर्मा विधायक बने थे और मैं चुनाव हारा था तो इस सड़क पे कोई 1 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ था और बाद में क्या हुआ कि जैसे ही सरकार बदली तो टेंडर लगा दिए गए और टेंडर जो है वो एक ठेकेदार को मिले जो यहीं से स्वारघाट का ठेकेदार था। आपस में क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग थी मैं नहीं बोलना चाहता उस पर, लेकिन ये हुआ कि क्योंकि अभी फॉरेस्ट क्लीयरेंस हुई नहीं थी और उसका काम जो है वो ठेकेदार ने लगा दिया। जब 70 लाख रुपये खर्च हो गया और जब ऑब्जेक्शन लगा कि जब फॉरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं हुई है तो काम कैसे हुआ, तो 70 लाख पे वाइंड अप कर दिया कि 70 लाख का काम हो गया और बाकी जो है वो काम रह गया, जब तक क्लीयरेंस नहीं होगी तब तक जो है वो काम नहीं हो सकता। हम उसको उठाना चाहते थे लेकिन लोगों ने इनकार किया, लोगों ने कहा कि हमारे सड़क चाहिए, अगर मान लो इस पर कोई कानूनी अड़चन आ जाएगी तो हमारी सड़क नहीं बन पाएगी। तो उस पर हमने कोई 10 साल मैं कह सकता हूँ कि 10 साल उस पर लगे और अभी पीछे जो है वो हमने देहरादून से उसको क्लियर करवा के अब उस सड़क के टेंडर वगैरह भी हो गए हैं और उसका काम शुरू हो जाएगा। बदलाव ये आया उसमें कि पहले जो इनिशियली जो सड़क थी उसका नाम था सोहाण कटीरड़ पुंगवाण, लेकिन क्योंकि गलत कर दिया था तो अब जो है सोहाण कटीरड़ और सोहाण पुंगवाणा, अब ये आगे 2 जो है ना उसकी शाखाएँ होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें क्योंकि डिपार्टमेंट ने कवरिंग करी है अपनी गलती की, लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे को कटीरड़ को भी सड़क चाहिए, पंगवाणा को भी सड़क चाहिए और उसका पैसा रिलीज हो गया है और उसका काम जो है वो शुरू होगा। ये काम है विधायक के, विधायक प्राथमिकता में क्या देना है वो मेरे ऊपर है क्योंकि मैं विधायक हूँ। चाहिए ये था कि जब वो खुद विधायक थे 10 सालों तक, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितनी आपने DPR बनवाई, कितनी आपने केस हैं जो आपने फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भेजे और उसकी क्लीयरेंस आई, और कितने केस ऐसे हैं जो चाहे स्कूल हो चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो सड़कें हों, ये मैं कहना चाहूँगा। प्रवक्ता साहब ये बता दें कि आपने चेयरमैन रहते हुए 5 साल वो चेयरमैन रहे स्मॉल सेविंग के, 10 साल तक आप जो है वो विधायक रहे, आपने कौन कौन से काम किए, ये मैं कहूँगा डिटेल लोगों को बता दें। ये नहीं है कि जो काम अभी हमने सैंक्शन करवाया बतौर विधायक, जो प्लानिंग की मीटिंग होती है उसमें विधायक किसी भी पार्टी का हो, जो बजट है बजट में स्थान उसको मिलता है जो विधायक की रिकमेंडेशन हो, चाहे वो स्कूल के मैदान हो, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग्स हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्याओं की बात हो, ये मैं कहूँगा कि उसके लिए हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया है। इन 3 पंचायतों के लिए जो है ना पीने के पानी के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ से हमारी जो है ना तनवर जगात खाना की सिंचाई की योजना जिसमें मुख्यमंत्री जी ने मुझे विधानसभा में, यहाँ तक कि मंत्री जी ने भी इसका जवाब दिया था महेंद्र सिंह जी ने कि आने वाले जून जुलाई महीने तक जो है सड़क पूरी होगी, लोगों को हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन ऐसी स्टेज पर अगर मान लो हमारे यहाँ से पूर्व विधायक कहीं नज़र तो नहीं आते, वो सिर्फ ये है कि गांव में महिला मंडलों को लड़ाएंगे, गांव में जाके जो है पंचायत इलेक्शनों में आप अपनी पंचायत में बैठ के जो है वो किस प्रकार से जो है जल्दी प्रधान इलेक्ट होना है, पिछली बार भी किया था उन्होंने, इस बार भी, तो ये मैं कहना चाहूँगा किस प्रकार से पंजाब के जो लोग हैं
उनको हिमाचल की इन 6-7 पंचायतों में जल्द ही वोटर बनाए उन्होंने। जो पंजाब में प्रधान है वो हिमाचल के भी वोटर है। तरसू पंचायत की मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, जिसकी कंप्लेंट भी लोगों ने करी, लेकिन उत्तर ये मिला कि जी अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। ये मैं कहूँगा कि ऐसी जो है ये हमारे पूर्व विधायक और जो प्रवक्ता हैं, क्योंकि प्रवक्ता का बड़ा जो है वो जगह है, उनको उस पद की गरिमा रखनी चाहिए। और अभी जो ये बयान दे रहे हैं ये पंचायत के इलेक्शनों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए ये बयानबाजी हो रही है। चाहे वो हमारे गड़ुआ से नकराना तक स्वाणा तक की सड़क की रिपेयर की बात हो, पैसा हमने दिया है 4.5-5 लाख रुपए दिया है। जब जब पैसा दिया, जब जब मैंने क्लियरेंस करी, चाहे वो चंगर की सड़कें हो, चाहे वो हमारी भाखड़ा विस्थापितों के एरिए की सड़कें हों, चाहे वो हमारी यहाँ तक जो है वो तनबौर तक की सड़कें हैं, सबकी दौड़ाधार की दौड़ाधार का पैसा हमने दिया। टिक्कर दौड़ाधार टिक्कर इनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने समय में मेरे को 10 पैसे बता दो कि उन्होंने इन सड़कों के लिए 10 पैसे भी दिए हो, कोई उन्होंने विधानसभा में कोई मसला उठाया हो, कोई बतौर विधायक इन्होंने बजट में डालने की बात करी हो। ये मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार से पंचायत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए और ये चोर दरवाजे से जो है ना इस प्रकार की खबरें देने के ये माहिर भी हैं। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि क्योंकि पंचायत का चुनाव है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, ये सब को लोगों के ध्यान में है। और कृपया करके जो है वो हमारे, क्योंकि पंचायतों के लोग में भी हमारे लोग खड़े हैं, ब्लॉक समितियों में भी खड़े हैं, और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा हमने 4 कैंडिडेट जो है वो जिला परिषद के जो है वो सर्वसम्मति से जो है उनका फैसला किया है। सबसे मेरा निवेदन यह है कि कृपया करके जो कांग्रेस समर्थित जिला परिषद के जो हमारे कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको भी समझौता लास्ट डे आज कर लेना चाहिए। और जो पंचायत राज के जो चुनाव है, मेंबर से लेके ऊपर तक जो है वो सब लोग अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे और हमारे जो समर्थित उम्मीदवार है उनको आप लोग जो है वो ध्यान से जो है ना वो देंगे और उनको अपना समर्थन देंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।